Good morning friends, welcome to PT Classes. Today a very important session for all those who want to make their career as hotel manager. I hope students, हमारे बहुत से students ऐसे जो hotel industry में अपना career बनाने जा रहे हैं. Hope आज हमारे जितने भी technical round के questions हैं बहुत important आपके लिए और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोनों channel PT Classes और Interview Guide से आप spoken English, personal development, body language की वीडियो सीख रहे हैं और बहुत कुछ वहां से अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को रेस करने के लिए आप उन वीडियोज का बेनिफिट ले रहे हैं. तो चलिए मैं वेलकम करता हूं काजल आपको और आपको मिलाना चाहूंगा मिस्टर रामदेव वाटी से. ये यहां पर बीकानेर से हैं और हम चाहते हैं आज के सेशन के अंदर ये इन्वॉल्व हो और कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पुट अप करें. देखिए होटल इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि एक होटल मैनेजर और अगर हम कहें रेस्टोरेंट मैनेजर इनका प्रोफाइल क्या रहता है ये बताइए भैया. यस सर, होटल मैनेजर का वर्क प्रोफाइल रहता है कि सबसे पहले उसका वर्क होता है कि उसे काम करवाना आना चाहिए, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए. right. और सर अगर कोई कस्टमर आता है तो उसे अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, उसका स्वागत करना आना चाहिए. एंड सर जो वर्कर हैं उनसे अच्छे से वर्क करवाना आना चाहिए. एंड हाउसकीपिंग और स्टाफ कैटरिंग वाले हैं उनको डेली चेक करना चाहिए, डेली मिलना उनसे. right. उनका वर्क चेक करना. एंड सर और जो कस्टमर है उनकी सिक्योरिटी बनाए रखना. right. कि सिक्योरिटी चेक करना भी, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. बिल्कुल. सर अगर कस्टमर मैरिड है या अनमैरिड है उसके अकॉर्डिंग उसके रूम को डेकोरेट करना. बिल्कुल. और सर अगर फंक्शन है रेस्टोरेंट में तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग डेकोरेशन करवाना. एंड right. सर उस रेस्टोरेंट के लिए मार्केटिंग करना. Agreed. और बिजनेस आगे बढ़ाना. okay. इसका ये सारी फैसिलिटीज रेस्टोरेंट में लाना इसका ही वर्क प्रोफाइल होता है. बिल्कुल आई एग्री विद यू, होटल मैनेजर की बहुत रिस्पांसिबिलिटीज होती yes, है. चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि आप होटल इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन, आपने क्यों पर्पस बनाया इसे. सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नेचर वर्सेटाइल है और okay. मैं सर पंचवन हूँ और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हूँ. एंड सर मेरे को नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है, लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है. जैसे कि हम देख रहे हैं सर रेस्टोरेंट एंड इंडस्ट्री है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अगर अपने COVID-19 को इग्नोर करते हुए आगे चले तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. आई एग्री विद यू. तो सर इसमें मैंने अपना करियर बनाने का सोचा. दैट्स वंडरफुल. चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रेस्टोरेंट होटल्स इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मीन्स कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या रहती है, कुछ बता सकते हैं. ये सर मैं इन्हें प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, इन्हें मैं चैलेंजेस कहूँगी कि जो को हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. जैसे कि स्टाफ को हायर एंड फायर करना. बिल्कुल. सर जो कि स्टाफ हैं जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं उन्हें फायर करना. राइट. एंड सर नई वैकेंसीज के लिए हायर भी करना. यस सर, नई वैकेंसीज के लिए हायर करना. और सर जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको उनके चैलेंजेस फेस करना और नई टेक्नोलॉजी को फेस करना. बिल्कुल, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना. यस सर. और सर सिक्योरिटीज चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करना. okay. जैसे कि टेररिज्म, थेफ्ट एंड रॉबरीज. बिल्कुल, रॉबरी, थेफ्ट और स्पेशली क्राइम, स्पेशली रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग इवन. यस सर. और सेक्सुअल अब्यूज ऑन वुमेन, साइबर क्राइम के इश्यूज बहुत आते हैं आजकल. आई एग्री विद यू. इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन दैट इज मैंडेटरी. अगर रेस्टोरेंट है तो आपका फूड का क्वालिटी और ये सब होना चाहिए. होटल के अंदर अगर वो रह रहे हैं तो ऑब्वियस है आपकी जो रूम सर्विस है उसका बहुत एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए ताकि वो कस्टमर दोबारे आपके पास है. अच्छा, कोई कॉमन प्रॉब्लम्स बता सकते हो जो आपने फेस करी हो या आपने कभी सुनी हो कि कस्टमर ज्यादातर क्या कंप्लेन करते हैं अगर कोई होटल में रहने आता है तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करता है. सर ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती है यही रहती हैं कि रूम में वाईफाई नहीं चल रहा है अच्छे से, या तो फिर रूम में एसी खराब है या फिर टीवी खराब है, या हमारा रूम ज्यादा गर्म है या ठंडा है, या तो फिर कह सकते हैं कि गीजर खराब हुआ पड़ा है, पानी गर्म नहीं आ रहा. ऐसी प्रॉब्लम जो होती है इजी मतलब फेस करते हैं हम. तो आप ये बता सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कैसे देना चाहिए. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छी प्रोवाइड फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. right. और अगर ऐसी प्रॉब्लम आती भी है तो अगर कोई कस्टमर है हमें बोल रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हम उसकी बात सुनते हैं ध्यान से. एंड फिर हम उन्हें एकांत में उनकी बात सुनते हैं ताकि दूसरे जो कस्टमर हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उन्हें उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो. ओके, तो उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्यूशन. यस सर, फिर हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम इनका हल कर सके और उन्हें आगे से ऐसे ना हो ताकि वो आगे फिर से इसी से ही हमारी. ऑब्वियस है, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके जो होटल में है वो दोबारे अगर रहने आएंगे तो वो आपके होटल को ही प्रेफर करेंगे. यस सर, आई एक्सेप्ट. चलिए मैं आपसे और भी बहुत से क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ पर उससे पहले मैं रामदेव भाटी को भी चांस दूंगा कि वो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करें. प्लीज. मैम आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में. यस सर.
सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, पंचुअल हूँ, ऑनेस्ट हूँ और ईमानदारी से अपना काम करना पसंद करती हूँ। और सर मेरी वीकनेस है कि थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, थोड़ा बोलने का तरीका और ये सब, एंड बातें बहुत करती हूँ सर मैं। और होटल इंडस्ट्री में तो अच्छा है भाई, अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात करेंगे और तहजीब से बात करना सीखेंगे तो आपको बेनिफिट ही है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कोरोना ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर, आई एग्री विद यू, बिकॉज जो कोरोना जो आया है उसके कारण कई इंडस्ट्रीज हैं उनमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है उन पर, खास करके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। यस सर, तो अब दोबारा से ये ऐसा हो रहा है कि वापस से ग्रो कर रही है इंडस्ट्रीज। ओके, और जो कस्टमर्स है, जो आपके ये कह सकते हैं विजिटर्स है, ये एक्सकर्शन पे फिर से निकल रहे हैं घूमने फिरने अपनी फैमिली के साथ। हाँ जी सर, कोरोना को इग्नोर करते हुए कह सकते हैं कि हम इसमें डेवलपमेंट अब हो रहा है। बिल्कुल, देयर इज अ डेवलपमेंट, आई एग्री। चलिए अब मुझे ये बताइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑड आवर्स में आप काम कर लेंगे क्या? क्योंकि होटल इंडस्ट्री में ऐसा रहता है कभी कई बार फंक्शंस वगैरह की वजह से आपको ऑड आवर्स में काम करना पड़ता है, तो आप मैनेज कर लेंगे? यस सर, मैं इजीली मैनेज कर लूंगी। हालांकि मुझे जो 10 to 5 वाली एक्सटीरियर जो पसंद नहीं है, जो चैलेंजेस मुझे जो पसंद है ज्यादातर। ओके, यू मीन टू से स्टीरियो टाइप जॉब जो मोनोटोनस जो ग्राइंड है वो नहीं पसंद आपको? अगर ऑड आवर्स में नाइट में काम करना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नो सर, आई एम वर्सेटाइल, मैं कैसे भी अपना वर्क कर सकती हूँ। वंडरफुल वर्ड आपने यूज किया, वर्सेटाइल मींस एडजस्टेबल, आप कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। यस सर। चलिए मुझे ये बताइए कुछ प्रमोशनल स्कीम्स होती है जो होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत वर्क करती है, तो क्या आप एक्चुअली में वो 5 प्रमोशनल स्कीम्स है तो कुछ नाम बता सकते हैं आप उनका? यस सर, बताइए सर। जैसे कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड सीजनल प्रमोशंस। ओके, लॉयल्टी प्रोग्राम आपने बताया। हाँ जी, आपने सीजनल प्रमोशंस बताए। यस सर। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा एग्जिस्टिंग कस्टमर फोकस, अपील टू ऑडियंसेस अक्रॉस सोशल प्लेटफॉर्म्स, और जो 5th है वो है वर्क विद सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो ये कुछ 5 प्रमोशनल स्ट्रेटजीज है जो रियल में होटल इंडस्ट्री पे बहुत वर्क करती है, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए भाई काजल, आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक नया क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है कि कंसीरज, ये वर्ड आपने सुना है क्या? कंसीरज, यस सर। क्या होता क्या है ये? सर ये होटल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय होता है जो कि कस्टमर्स की हेल्प करते हैं, जैसे उनके बुकिंग के लिए, जैसे टूर बुकिंग के लिए, टूर बुकिंग, थिएटर बुकिंग और रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस वगैरह के लिए। इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं हम? सर इसे हम दरबान या द्वारपाल भी कह सकते हैं। ओके, काजल आपको एक्सपीरियंस है? यस सर, मुझे एक्सपीरियंस है 6 months का। 6 months का? यस सर। किस पोस्ट के लिए? सर काउंसलर कम असिस्टेंट। ओके, तो आपका जो प्रोफाइल था वहाँ पर, उसमें आपको क्या क्या हैंडल करना होता था? सर वहाँ मुझे कॉल्स हैंडल करनी होती थी, एंड वहाँ का जो थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह भी करनी होती थी, और सर के और सर की अपॉइंटमेंट होती है वो फिक्स करनी होती थी स्टूडेंट के साथ, या फिर पेरेंट्स आ रहे हैं उनके साथ, उन्हें हैंडल करना होता था, इंक्वायरीज जो है सारी चेक करनी होती थी। और सर मुझे अकाउंटेंट के भी थ्रू किया हुआ वर्क मैंने, और सर मैं कंप्यूटर पर भी वर्क करना पड़ता था। तो आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है? सर कंप्यूटर मुझे MS वर्ड, MS एक्सेल, C++, जावा, ये सब आते हैं। ओके काजल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप होटल इंडस्ट्री में आ रही हो एज अ मैनेजर, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन अब्रोड के आपके होटल में आते हैं और आपको बहुत अच्छी टिप देके चले जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने आपको 1 crore का चेक काट दिया, तो क्या आप उसके बाद जॉब छोड़ देंगे? नो सर, ऐसा नहीं होगा कि मैं उसके बाद जॉब छोड़ दूं, क्योंकि ये जो वर्क करना ये हमारी नीड होती है। अब जैसे जैसे हम मान लें कि टाटा अंबानी बिरला ये सब हैं, ये कमा रहे हैं, इनके मतलब पैसे सेविंग में, अब ये तो नहीं है कि ये जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, तो हमें वर्क, हाँ जी हमें वर्क करते रहना चाहिए क्योंकि वर्क हमारे लिए पूजा होता है। ओ, वर्क इज वर्शिप फॉर यू। यस सर। आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं काजल? सर मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में कहते हैं कि मैं केयरफुल हूँ और वर्सेटाइल हूँ, एंड सर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और जो जो कि जो भी मुझे बात बुरी लगती है मैं उनके मुंह पे बोल देती हूँ, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है। ओके यस सर। काजल मान लीजिए हम आपको रिक्रूट करते हैं, मगर आपके जो सीनियर है वो आपसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, मान लीजिए आपने तो बोला ऑड आवर्स में आप काम कर लेंगे, पर डेली आपको ऑड आवर्स में काम करवाया जा रहा है, तो आप बियर कर लेंगे? ये सर मैं इजीली वर्क कर लूँगी, और हालांकि ये मेरी लर्निंग स्टेज है तो मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा, एंड अगर मेरे को ज़्यादा वर्क मिल रहा है तो ये मेरे लिए बेनिफिट ही होगा, और सर ज़्यादा वर्क करने से मेरी डेक्सटेरिटी बढ़ेगी। ओह, यू मीन दक्षता। यस सर। चलिए काजल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह के लोगों के साथ आप ज़्यादा इजीली काम कर लेने पसंद करते हैं? सर वैसे तो मैंने बताया कि मैं वर्सेटाइल हूँ, कैसे भी लोगों के साथ वर्क करना कर सकती हूँ। और सर अगर मिले अगर मेरे को तो ज्यादातर डिसिप्लिन और जो ऑनेस्ट होते हैं वैसे लोगों तो के साथ मार्केटिंग काम पसंद करते हैं या फील्ड या जॉब सेटिंग जॉब पसंद करते हैं?
सर वैसे तो मैं ज़्यादातर फील्ड जॉब पसंद करती हूँ, पर लेकिन अगर करना हो तो मैं हर तरह के वर्क कर सकती हूँ, फील्ड जॉब भी कर सकती हूँ एंड सिटिंग जॉब भी कर सकती हूँ। ओके, सिटिंग जॉब में अगर आपको कंप्यूटर हैंडलिंग दिया जाए या सिक्योरिटी पार्ट दिया जाए तो आप मैनेज कर लेंगे? यस सर, मैं इजीली मैनेज कर लूँगी क्योंकि कंप्यूटर मेरे को अच्छे से वर्क करना आता है उस पर और मेरी टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है। ओके, किस तरीके के टेलीविजन प्रोग्राम्स आप देखना पसंद करते हैं? सर मैं ज़्यादातर एंटरटेनमेंट टेलीविज़न प्रोग्राम देखना पसंद करती हूँ, जैसे तारक मेहता को उल्टा चश्मा एंड कपिल शर्मा शो, जो कि फैमिली के बीच में बैठ के देखा जाए। ओके ओके, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? यस सर, मैं न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ती हूँ सर। तो आप न्यूज़पेपर में कौन से आर्टिकल्स ज़्यादा पसंद करते हैं? सर मैं न्यूज़पेपर में सबसे पहले स्पोर्ट्स का पेज पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और सर मैं भी एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ हैंडबॉल में। हैंडबॉल में? यस सर। वेरी गुड, इसलिए आपको स्पोर्ट्स में बहुत पसंद है काम? यस सर। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब मुझे आप ये बताइए कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? सर मैं इजीली वर्क को अपना मैनेज कर सकती हूँ क्योंकि सर जो वर्क होते हैं मेरे लिए मैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, ए प्लस, ए और बी। सर ए प्लस में मैं उन वर्क को रखती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको मैं सर पहले प्रेफरेंस देती हूँ और उन्हें पहले कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। प्रोफेशनल वर्क जो भी होंगे आप उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करते हैं? यस सर। ओके, और ए में वो आते हैं जो उससे थोड़े कम होते हैं और बी में थोड़े मेरे पर्सनल वर्क आते हैं। ओके, तो आप प्रेफरेंस हमेशा उसको? यस सर। तो आर यू फिट इनफ टू डू होटल इंडस्ट्री वर्क? यस सर, आई एम फिजिकल एंड मेंटली फिट क्योंकि मैं अच्छे से तैयारी करके आ रही हूँ इसके बारे में। रामदेव भट्टी, आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? मैम कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए मैम। यस सर, सर मेरी फैमिली में हम 6 मेंबर हैं और मेरे फादर, माय मदर एंड माय सिबलिंग्स। ओके, आपके आइडियल कौन है? सर मेरे आइडियल मेरे मदर हैं। क्यों, रीजन? सर वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं वर्क के लिए और सर अगर मुझे कहीं पर भी जाना हो तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं और हर एक काम में मेरे लिए मेरी हेल्प करते हैं। देखिए आप होटल इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो एक इंट्रोडक्शन हम चाहते हैं आप दीजिए अपना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपके बारे में और बहुत कुछ, ताकि हम ये देखना चाहते हैं आप हमारे पास जो आपकी क्वालिटीज है वो वाकई में मैच कर रही है कि आपकी पर्सनालिटी से, तो प्लीज इंट्रोड्यूस यस। सर, सर आई एम काजल एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम क्योंकि मैं अच्छा कार्य करके लोगों के दिल जीत लेती हूँ और सर मैं हेल्पफुल गर्ल हूँ। सर मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ जिसे राजस्थान का अनका कटोरा भी कहा जाता है। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन MGS यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है और सर मैं वर्सेटाइल हूँ, एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया बताया भैया आपने अपने बारे में। अब हम जानना चाहते हैं कि देखिए काजल, हमारे पास और भी कुछ गर्ल्स है जो होटल इंडस्ट्री के लिए हमारे पास आ रही है, मैनेजर पोस्ट के लिए आ रही है, तो हम उन्हें रिक्रूट क्यों ना करें, हम आपको ही क्यों करें, इसका कोई वैलिड रीजन दीजिए हमें। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी एबिलिटी आपको बता सकूँ। ओके, एंड सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी तरह लोग बाहर खड़े हैं, वो मुझसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझसे कम भी हो सकते हैं। okay. पर सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि सर मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी रह चुका है, मैंने आपको बताया। एंड सर मैं वर्सेटाइल हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ खुद को ईजिली कहीं पर भी और हेल्पफुल नेचर की हूँ। एंड सर मेरे को लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नई नई जगहों पे जाना बहुत पसंद है, तो सर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक चांस जरूर दीजिए। बिल्कुल काजल, मान लीजिए कोई कस्टमर है वो कंप्लेन कर रहा है कि किसी बात के लिए और बहुत गुस्से में है और आप रिसेप्शन पोस्ट पे खड़ी हैं, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? सर सबसे पहले तो अगर वो गुस्से में है तो मैं उनकी बात अच्छे से ध्यान से सुनूंगी ताकि वो खुद को थोड़ा बिल्कुल कूल करें बिल्कुल, और उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी भी हम आपकी जो भी सिचुएशन है प्रॉब्लम है उन्हें हैंडल करेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे, तो आप थोड़ा धैर्य रखें। आई एग्री विद यू। तो मुझे लगता है आज के सेशन के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है और जो भी मैंने क्वेश्चंस पुट अप किए दोस्तों, बिलीव मी यही क्वेश्चंस हो सकता है आपसे भी कल पूछे जाए। तो उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक हमारे पास जो वीडियो देखते हैं बच्चे उनको मैं टिप जरूर देता हूं और आज का टिप जो है दोस्तों वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन काजल से मैं पूछना चाहता था, वो क्वेश्चन ये था कि काजल आप हमारी होटल इंडस्ट्री में या आप हमारे होटल में कब तक काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि काजल इसके लिए क्या कहती है और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हम एड ऑन क्या कर सकते हैं। तो काजल मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आता है क्योंकि ये तो एक मॉक सेशन है काजल, कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस, तो आपका क्या आंसर रहेगा? सर मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि मैं रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहती क्योंकि मैं कंपनीज चेंज नहीं करना चाहती, एक ही जगह पे रहकर काम करना चाहती हूँ, यहीं से मेहनत करके यहीं से प्रमोशन पाना चाहती हूँ। दैट्स वंडरफुल, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सबसे पहले आपने जो वर्ड यूज किया वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि रोलिंग स्टोन एक अच्छा वर्ड है दोस्तों। एज काजल हैज स्टेटेड दैट आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ, अदर देन यू कैन स्टेट सर एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शंस इन लाइफ, वन इज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड अदर इज मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन, व्हेन बोथ दी सेटिस्फैक्शंस मूव्स पैरेलल देयर इज नो रीजन ऑफ चेंज।
And as long as I am growing professionally, there is no reason for me also to make a move. Other than that, as Kajal has stated, sir, I don't want to be a rolling stone. So, is tarike ka answer yadi aap dete hain, you can impress an intro. Kajal, we are really proud of you. Aapne bahut acha intro diya. Keep it up. Blessings to you. Thank you, sir.